आपने बंदर देखे हैं? ठीक, तालाब देखा है जी। चांद देखा है जी। अरे चांद कहाँ निकलता है? आसमान में। और कब निकलता है? रात को निकलता है। ठीक है बच्चों, हम आज आपको अपनी किताब से कहानी सुनाने वाले हैं और जिसका नाम है तालाब में चांद। बच्चों एक बार की बात है, बंदरों ने तालाब में क्या देखा? चांद देखा। और बंदर तो शरारती होते हैं, बंदरों ने उस चांद को पकड़ने की प्लान बनाई। उन्होंने चांद को पकड़ने की योजना बनाई और बोले, चलो भाई हम इस चांद को पकड़ते हैं। फिर क्या हुआ, एक बंदर चांद को पकड़ने के लिए तालाब में कूद गया। कहाँ कूद गया? तालाब में कूद गया। लेकिन चांद उसके हाथ नहीं आया। क्यों नहीं आया बच्चों? क्योंकि तालाब में चांद नहीं था, वो तो चांद की परछाई थी। वेरी गुड। अरे कहाँ गायब हो गया? लगता है हमसे डर गया। बंदर ने क्या सोचा? लगता है भाई हमसे डर के भाग गया, छिप गया है कहीं। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, चलिए भाई हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चांद को पकड़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, पेड़ की डाली टूट गई। और पेड़ की डाली टूटी तो एक दूसरे का हाथ छूट गया। और एक दूसरे का हाथ छोटा तो बंदर कहाँ जाकर गिरे? वो मगरमच्छ की कमर पर, मगरमच्छ की पीठ पर जाकर गिरे। तो बंदर बोले, अरे भागो भागो। क्या बोले? भागो भागो, भागो। लेकिन मगरमच्छ ने कहा, अरे भागो मत, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। लेकिन बंदरों ने कहा, मगर अगर, अच्छा बताओ भाई क्या मगरमच्छ उनको बचाता? आप बताइए सोच के। नहीं बचाता, क्योंकि मगरमच्छ बंदर को खा जाता। इसलिए बंदरों ने ऐसा नहीं किया, बंदरों ने ऐसा नहीं किया। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस कहानी में बेटा किस किस का वर्णन हुआ है बताएंगे जरा? बताइए, हाँ बताओ जल्दी जल्दी बताइएगा। मगरमच्छ, चांद, बंदर और तालाब, पेड़, इन चीजों का हुआ है। अच्छा आपने अपने बंदर देखे हैं? ठीक, तालाब देखा है जी। चांद देखा है जी। अच्छा चांद कहाँ निकलता है? आसमान में। और कब निकलता है? रात को निकलता है। ठीक है, तो कहानी हमको अच्छी लगी या नहीं जी? तो क्लैप करिएगा आप लोगों।